बिसमीम् अल्लाम नासीन नाजिन हुकूमत ने एक मरतबा फिर से जो लिस्टें हैं वो अपडेट कर दी हैं और आपने इस लिस्ट में अपना नाम चेक करना है कि आपका भी नाम इन लिस्टों में शामिल है या नहीं और इसके साथ ही एक बैड न्यूज़ भी है और वो ये है कि हकूमत जो गुरबत का स्कोर है वो कम कर रही है जिसकी वजह से तकरीबा चालीस से पैंतालीस लाख जो ख़ानदान हैं वो बायर हो जाएँगे और उसके बाद जो इंतहाई गरीब घरानी हैं जो सिर्फ़ गरीब है उन लोगों को यहाँ पर इमदाद दी जाएगी एक तरफ तो ये फ़ायदा भी है और दूसरी तरफ तर्थ कुछ लोगों का नुकसान भी है लेकिन आप लोग एक बेहतर तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन अभी भी करवा सकते हैं। अभी भी मौका है हो सकता है इसके बाद फिर आप लोगों को मौका ना मिले तो कोशिश करें कि अब जो हुकूमत की सेटिंग बनी हुई है जो हुकूमत का इस टाइम प्लान चल रहा है तो उसके मुताबिक आप लोग अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें अगर आप अब भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो अब भी आपको कहीं ना कहीं से इमदाद मिल जाएगी और रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएँ अगर आपको बेनसर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे ना भी मिलें तो दूसरे प्रोग्राम में आपको पैसे मिल जाएंगे और इसी तरीके से यहाँ पर दो सर्वे हुकूमत ने शुरू किए हैं एक तो है डायनेमिक रजिस्ट्री ऑनलाइन जिसके लिए आपको दफ्तर चल के जाना पड़ता है जो कि आपके करीबी तहसील ऑफिस में वाक़ एन एन एस ई आर का दफ्तर है वहाँ से होगी इनके बेसिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस से होगी दूसरी जो रजिस्ट्रेशन है वो आप घर बैठे कर सकते हैं उसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी उसमें आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आहल होने का तरीक़ेकार भी बताऊंगा और जो पंजाब के अंदर प्रोग्राम आ रहा है बीएसपी का उसके अंदर भी शामिल होने का आपको बताऊंगा लेकिन उसके लिए कुछ सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो मैं आपसे आज वो सवाल बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपने उन सवाल को देख लेना है सोच समझ के उनका आपने जवाब देना है अगर आपने सही जवाब दिया ना तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसमें आहिल हो जाएंगे और आपको हुकूमत की तरफ से यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे और इसके बाद मैं आपको लिस्ट में जो है अपने नाम कैसे चेक करना है उसका तरीक़ेकार भी यहाँ पर बताऊँगा तो और इसके साथ ही जैज कैश ईजी पैसा से आप लोगों को यहाँ पर पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसके बारे में भी आपको डिटेल देंगे क्योंकि हुकूमत ने कोशिश की है कि हम बैंकों के साथ माहदे करें और इन माहदों की रोशनी में जायज़ कैश ईजी पैसा का जो बैंक है उससे भी माहा हो सकता है तो क्या फिर आप लोग घर बैठे अपनी रकम हासिल कर सकेंगे इसके बारे में भी आपको डिटेल फ्राहम करेंगे और लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपसे पूछे जाएंगे और आपने उनके जो जवाब हैं वो बेहतर तरीके से देने अगर आपने बेहतर तरीके से उनके जवाबा दिए तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन शाला इसमें आहल होंगे और आपको हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो बनाया जाएगा तो सबसे पहले जो आपसे यहाँ पे सवाल पूछे जाता है ना उसमें आपके ख़ानदान के बारे में और आपके रहने के बारे में सवाल पूछा जाता है कि आपका जो ख़ानदान है मतलब कि उसके पास कौन कौन सी सहूलत है ठीक है और उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी होती है तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपके आपका जो ख़ानदान है या आपका जो सरबरा है उसके पास आपके ख़ानदान की ज़रूरी हैसीयत क्या है यानी कि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन पूछी जाती है आपके ख़ानदान की क्या है ठीक है उसमें आप बताएँगे कि उनके पास ज़रि ज़मीन है या नहीं है ठीक है उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो पिछले तीन साल हैं इन में आपने या आपके ख़ानदान में से कोई भी ऐसा फ़र्द जिसने हुकूमत से जो इमदाद दी जाती है वो हासिल की हो और इसमें कौन कौन से उन्होंने नाम बताए हैं एक बी एस पी का दूसरा पी एस पी ए और तीसरा यहाँ पे ज़क़़़त और चौथा उशर और बैतलम उन्होंने कहा कि अगर इन में से किसी ज़राए से आपने इमदाद हासिल की है तो उसका यहाँ पर बताया जाए तो आप उसका यहाँ पर जवाब देंगे इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपके ख़ानदान के अंदर कोई मतलब के शेर ख़्वार बच्चा है या इस तरह का कोई है तो वो भी यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे उसमें से भी एक सवाल ये भी होगा और इसके बाद जो है आपके आपका जो मोबाइल फ़ोन है इसके बारे में पूछा जाएगा कि क्या आपके ख़ानदान के पास मोबाइल फ़ोन तक रसाई हासिल है या आपके पास मोबाइल है और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो आपके अहले खान है जिस घर में रहते हैं ये घर कैसा है इसकी जो बैरूनी दीवार है वो उसका जो मटेरियल है ना वो क्या है बैरूनी दीवार का मटेरियल जो है वो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है ठीक है और चार चारदारी है भी या नहीं है या सिर्फ़ रूम बने हुए हैं हाथे में है या फिर लकड़ियों वाली जो जो चीज़ भी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है ठीक है बग़ैर आपने डरे यहाँ पे जब आप दफ्तर जाते हैं तो उनके अपने जवाब जवाब देने होते हैं आपने परेशानी होना होता आपने वहाँ पर जाके सिर्फ़ उनके जवाब देने हैं और आप यहाँ पर आहिल होते जाएंगे तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो आपके घर है उसके अंदर कितने कमरे हैं दो हैं आपने दो लिखवा देने हैं तीन आपने तीन लिखवा देने हैं चार है तो चार लिखवा देने हैं जितने आपके पास घर के अंदर कमरे हैं ना वो आपने यहाँ पर लिखवा देने हैं उसके बाद यहाँ पे ये ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि जो आपके घर के अंदर जो अफराद हैं ना वो सोने के लिए कितने रूम इस्तेमाल करते हैं दो इस्तेमाल करते हैं तीन जो भी जितने भी रूम हैं ना आपने ये बता देना है ठीक है एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो घर है इसमें बिजली का कनेक्शन मौजूद है या नहीं है मैं वो आपको सवाल बता रहा हूँ जो पी एस सी आर में भी पूछे जाते हैं और एन एस ई आर में भी पूछे जाते हैं यानी कि दोनों तरह से पूछे जाते हैं तो इसमें आपने बताना होता है कि जी आपके घर पर बिजली का कनेक्शन है या नहीं है अगर है तो आप बता देंगे कि जी बिल्कुल कनेक्शन है जिसके नाम पर है उसका नाम भी आप बता देंगे कि जी ये घर का सरबरा है और इसके नाम पर जो है बिजली का कनेक्शन मौजूद है गैस का कनेक्शन भी वो पूछ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर बिजली का कनेक्शन पूछते हैं क्योंकि गैस तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें अभी तक आई नहीं है तो उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आपका जो घर है आपका जो ख़ानदान है इनके पास मवेशी हैं मवेशियों से मुराद ये होता है आपने इसमें मेंशन कर होते है बकरियाँ अगर आपने पाली हुई हैं चाहे एक है दो है दस है आपने बता देना जी जी हमारे पास बकरियाँ हैं भैंस है तो भैंस का आप बताएँगे गाय हैं तो वो भी बताएँगे भेड़ भी आप बताएँगे इसमें गधा भी बताना पड़ेगा घोड़ा भी बताना पड़ेगा अगर आपके पास कोई भी एनिमल है कोई भी आपके पास जानवर है आपने बता देना कि जी ये हमारे पास जानवर है ठीक है और इसके साथ ही आ, मतलब कि ऊँट भी अगर आपके पास मौजूद है तो ऊँट का भी आपने बता देना कि जी हमारे पास एक ऊँट है दो ऊँट है जितने भी हैं ठीक है, है? खच्चर वगैरह का भी आप यहाँ पे बता देंगे तो ये सवाल आपसे लास्ट में पूछा जाता है कि आपके ख़ानदान के पास क्या क्या चीज़ें हैं और एक और चीज़ वो कहते हैं कि पूछते हैं आपसे एक और सवाल खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर आप किस किस्म का ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको ये भी जवाब देना है कि आप ये वाला जो ईंधन है ना ये इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं तो लकड़ी का जिक्र करेंगे गैस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो गैस का बताएंगे अगर आप गोबर वाली थापियाँ यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पे बताएंगे अगर मकई मकई के जो टांडे वगैरह होते हैं तिल के जो लकड़ियाँ होती हैं या कपास की जो लकड़ियाँ होती हैं तो उसके बारे में आप ये बताएंगे कि हम फसल की बाक़यात यूज़ करते हैं ठीक है तो ये वाली चीज़ें आप उनको बताएंगे तो इस तरह से वो आपसे काफ़ी सारे सवाल करते हैं तकरीबन साठ सवाल होते हैं तो उनके जवाब आपने देने होते हैं और इन्हीं जवाब की रोशनी में आप लोग आहिल होते हैं ठीक है और आहिल होने का सबसे बेस्ट फार्मूला मैं आपको जो दे रहा हूँ ना वो ये है मेरे भाई मेरे बहने आपने अपनी फैमिली के एक एक फ़र्द का इंदराज करवाना है आपके घर में कोई बच्चा है तो उसका अंदराज करवाएं चाहे एक माँ का बच्चा है ठीक है आपके साथ आपका कोई अजीज़ रहता है रिलेटिव रहता है आपने उसका अंदराज करवाना है आपके घर पर कोई बुजुर्ग है आपने उसका अंदराज करवाना है आपने बड़ी फैमिली बतानी है ठीक है मेरी बात आप समझ गए होंगे जो जो आपके घर पे अफराद है ना आपने सब का बताना है सबका आप इंदराज करवाएंगे उससे ये होगा कि आपका ख़ानदान बड़ा होगा आपका जो गुरबत का स्कोर है वो कम होगा ठीक है हर बच्चे की डिटेल देंगे और ये सारी चीज़ें देंगे तो उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि हुकूमत की तरफ से आपको आहल कर दिया जाएगा और आपको बेनज़िर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो पैसे हैं वो दे दिए जाएंगे और इसी तरीके से पी एस ई आर है उसमें भी आप लोगों का नाम शामिल हो जाएगा अब बात कर लेते हैं जो हुकूमत की अपडेट चल रही है इस वक्त और वो अपडेट ये है ये एक बहुत अच्छी अपडेट है कि बैंक जो हैं पाकिस्तान के अंदर वैसे तो काफ़ी सारे बैंक मौजूद हैं लेकिन इस वक्त तो उनकी कोशिश ये है कि हम मुख्तलिफ़ बैंकों के साथ माहदे कर लें हम उनको यहाँ पर लिस्ट में शामिल कर लें ताकि वो लोग इस लिस्ट में शामिल होकर जो है आवाम की खिदमत कर सकें इसके लिए उन्होंने पहले काफ़ी सारे दोस्त जानते भी हैं कि एच बी एल का जो बैंक था हबीब जो बैंक था उसको यहाँ पर शामिल किया था ठीक है हबीब बैंक को शामिल किया था उसके बाद यहाँ पे हुकूमत ने ट्राई की कि हम और बैंक शामिल करें तो इसमें अल्फिला बैंक को ऐड कर लिया था लेकिन उसके बाद हुकूमत ने कहा कि चलो हम जो साइट्स हैं कैंप साइट्स हैं वो हम मुतारफ़ करवाते हैं और कैंपों में हम लोगों को यहाँ पर पेमटें देते हैं उनको पैसे देते हैं तो कैंप साइट भी मुतारफ़ करवाए गए लेकिन वहाँ पर भी थोड़े बहुत मामला हुए गड़बड़ लेकिन वहाँ पर अमला मौजूद था तो काफ़ी हद तक बेहतर रहा तो अब हुकूमत यह चाह रही है कि हम बैंक अकाउंट ओपन कर दें आवाम की भी डिमांड यही है बैंकों के अंदर पैसे आ जाएँ तो अब सारे बैंकों से एप्लीकेशन मांगी गई है तो जैज़ कैश जो है और इजी पैसा के जो बैंक है ये भी अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएंगे तो इन बैंकों के साथ माहिदा हो जाएगा लेकिन ये बात नोट करें कि ये जो बैंक है ना इनमें आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे लेकिन आपको जैज़ कैश से फ़ौरी तौर तो पर पैसे नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे पैसे लेने के लिए बैंक ही जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको चेक के जरिए पैसे दिए जाएंगे ठीक है ये बात आपको समझ में आ गई तो एक तो सिस्टम हुकूमत ये मुतारफ़ करवा रही है और दूसरा यहाँ पे आपने नाम कैसे चेक करना है आपने सिंपल दो काम करने एक तो आपके पास मोबाइल होगा सिंपल मोबाइल है उसमें इक्यासी कत्तर पर आपने शनाख्ती कार्ड लिखकर सेंड कर देना है अगर आपका नाम शामिल है तो वो भी बता दिया जाएगा अगर आपका नाम शामिल नहीं है तो वो भी बता दिया जाएगा अगर जाँच पड़ताल है तो वो भी बता दिया जाएगा ठीक है अगर आपको आहल किया गया है तो फिर आपने जाना है इक्यासी इकतर बी पोर्टल पर जब आप पोर्टल पर जाएंगे वहाँ पर सारी डिटेल मौजूद होगी इक्सी कतर बी एस पी पोर्टल की ठीक है वहाँ पर आपने जाके इक्यासी कतर का जो बी एस पी पोर्टल है उस पर आपने लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद इक्यासी इकहत्तर का जो भी पोर्टल होगा ठीक है वहाँ पे अपने शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है नीचे अपने कोड लिखना है और आपने क्लिक कर देना है इस तरीके से आप जो गुर्बत का स्कोर है वो भी यहाँ पे अगर कम होता है तो आपको एलिजिबल करा दिया जाएगा अगर ज़्यादा तो आपको नाहल कर दिया जाएगा और ये भी बता दिया जाएगा कि आपको कब पैसे मिलेंगे अब जो नई किस्त मिलने वाली है उसकी यहाँ पर लिस्ट अपडेट की गई है अगर आपका नाम मौजूद है तो इन जो नेक्स्ट किस्त है वो आपको लाजमी यहाँ से मिलेगी उम्मीद करते हैं कि आज की जो अपडेट्स हैं वो आपको पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये अपडेट्स पसंद आई है तो आजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आप जानते हैं कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए वो मालूम इकट्ठी करके कर लेके आते हैं जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और अब मैं आपको एक लिंक देने जा रहा हूँ वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बेन सिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रिलेटेड होंगी जहाँ पे आपको पोर्टल भी मिल जाएगा पैसे चेक करने उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गुरबत का स्कोर आपने देखना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी हुकूमत नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम लेकर आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो भी आप लोगों के लिए ज़रूरी अपडेट है ना वो सब यहाँ पर मौजूद होंगे